शिकायत ये लेकर आया हूँ, क्या कहते हैं, मेरी शादी छतरापुर से हुई, बीना से, इमामुद्दीन की लड़की है वो जी। बीना, और क्या कहते हैं, जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद में कितने दिन हुई शादी? शादी मेरी हुई थी 6 जून में और सन 20 में जी, 1 साल कुछ महीने हो गए। क्या हुआ फिर उसमें? ये हुआ कि मैं, मेरी घरवाली ये कहती है कि तू दाढ़ी कटवा, मैं मॉडल लड़की हूँ और बड़ी लड़की हूँ वैसे मॉडल जमाने की, तुम दाढ़ी कटवा, मैं एक इमाम हूँ धार्मिक स्थल में, मैं फिर किसी जगह मस्जिद में इमामत करता हूँ और मेरी शरीयत में जायज नहीं है कि मैं दाढ़ी कटवाऊँ। तो इसलिए उन्होंने छर्रा थाने में मेरे यहाँ मेरे घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया है। विवाद दाढ़ी के पीछे ही है कि दाढ़ी कटा दो? वो विवाद यही है दाढ़ी के पीछे, तू दाढ़ी कटवा, मॉडल बनकर है कि मेरे भाइयों ने दाढ़ी कटवा रखी है, तू भी दाढ़ी कटवा। तो छर्रा में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा? मेरे 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया झूठा फर्जी, जो मेरे कुछ भाई बाहर भी हैं, जो मुंबई में रहते हैं 2 भाई, तो चाचा मेरे अलीगढ़ में रहते हैं, उनके खिलाफ भी वैसे ही नाम लिखवा दिया जबकि वो यहाँ पर थे नहीं। 17 तारीख को ये घर गई है शादी। तो ये दाढ़ी की डिमांड कटवाने की कब से कर रही है? जिस शादी वाले दिन से कर रही है। ये कहती है कि तेरे से शादी करके मेरे घर वालों ने मुझे फंसा दिया। तो शादी से पहले भी आपकी दाढ़ी? जी हाँ, मेरी शादी से पहले मेरी दाढ़ी थी, जब उन्होंने देखा था तो मेरी दाढ़ी थी, जब मैंने कहा जब मेरा हुआ था छर्रा महीने में सतरापुर में तो मेरी दाढ़ी थी, लेकिन दाढ़ी के पीछे विवाद करती है, घर वाले से बदतमीजी करती है, मेरी माँ बहनों से मुझसे अलग करती है, अलग रहा बिल्कुल अपनी माँ से। तो ये कब से जब ही से चल रहा ड्रामा? जी हाँ, शादी वाले दिन से ही यही कहती है। मैं आप आज कहाँ आई थी? मैं कप्तान ऑफिस में आया था, कप्तान साहब यहाँ है नहीं है, मुलाकात नहीं हुई है। नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो हक हो वो पुलिस कार्रवाई करे, पहले मालूमात करे, तहकीकात करे कि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे सही तरीके से मेरे संग में अन्याय किया जाए। अच्छा, किसी से आपने संपर्क किया शहर मुफ्ती वगैरह से? शहर मुफ्ती से मैंने कोई संपर्क नहीं किया अभी तक जी। धार्मिक लोगों को कोई बात नहीं बताई? नहीं, धार्मिक लोगों को कोई बात नहीं बताई है। मैं एक आलिम हूँ, मेरी फरागत मुफ्ताउलम जलालाबाद से है, और ये दाढ़ी कटवानी कहते हैं, इसकी अम्मा भी दाढ़ी कटवानी कहती है, और इसके जो भाई हैं